हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आज होने वाले गौरी आगमन, जो कि गणेश जी के आने के बाद महालक्ष्मी आती है, उनका आगमन हम बहुत ही अच्छे से करते हैं। सो गाइस, अभी तक आपने मेरा फर्स्ट व्लॉग नहीं चेक करा होगा तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना, जो कि गणपति आगमन का था। तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग पर आते हैं। तो मेरी मम्मी और आंटी वहाँ पर तैयारी कर रही है महालक्ष्मी आगमन की, तो चलिए देखते हैं। गाइस, वहाँ पे मेरी मम्मी और आंटी महालक्ष्मी को रेडी कर रही है, तो चलिए कैसे कैसे करते तैयारी वो देखते। तो गाइस, अभी साड़ी पहनाने के बाद मैं आपको 5 मिनट में मिलती हूँ। आले गोबर आले, सोन पावले आले, आले गोबर आले, सोन पावले आले, गोरा अंगत न्यारा ढंगत साजन वाले आले, आले गौराई सोन पावले आले, आले गौराई सोन पावले आले, आले नटुन आले थटुन साजन वाले अब इनके बैकग्राउंड डेकोरेशन की बारी। आप देख सकते हैं इनका फूलों से बैकग्राउंड डेकोरेशन किया जा रहा है।
सो गाइस, महालक्ष्मी जी का बैकग्राउंड डेकोरेशन ऑलमोस्ट हो चुका है, जो थोड़ा बचा है वो कल हो जाएगा। गाइस, गौरी आगमन हो चुका है और थोड़ा सा पचा कुचा जो डेकोरेशन है वो कल हो जाएगा। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा है वो कमेंट में बताइएगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। हेलो, तो आज है महालक्ष्मी जी का सेकेंड डे। तो अब तक आपने महालक्ष्मी जी का हाफ डेकोरेशन देख चुके होंगे। तो आज है महालक्ष्मी जी का सेकेंड डे, तो आज है ना पूरा डेकोरेशन हो चुका है।
मैं सोच रही थी कि दो व्लॉग बनाऊँ, एक फर्स्ट डे का, एक सेकंड डे का, पर मुझे अच्छा नहीं लगता कि फर्स्ट डे सेकंड डे आपको भी तो पूरा डेकोरेशन देखना पड़ेगा ना। तो मैंने सोचा कि फर्स्ट डे का और सेकंड डे का दोनों ऐड करके मैं पूरा एक फर्स्ट व्लॉग बना दूँ जो कि आपको देखने में अच्छा लगे और दो व्लॉग का झंझट भी ना हो। तो चलिए देखते हैं कि आज पूरा डेकोरेशन कैसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि महालक्ष्मी जी का कितना अच्छे से डेकोरेशन हुआ है। तो गाइस आरती का वक्त हो रहा है, तो चलिए आरती कर लेते हैं। विद्या च विनं त्वमेव सर्वं मम देव देव
काये न वाचा मनसे इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। तो चलिए आरती हो चुकी है, अब थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। तो आपको हमारे महालक्ष्मी जी और डेकोरेशन कैसा लगा है वो प्लीज कमेंट में बताइएगा। आज का सेकंड डे यही स्टॉप करते हैं, मिलते हैं कल थर्ड डे पे। बाय। सो गाइज, आज है महालक्ष्मी जी का थर्ड डे जो कि हम यहाँ आ चुके हैं। सो गाइज, ये डेकोरेशन महालक्ष्मी जी के सेकेंड डे पर होता है क्योंकि कल बारिश आ गई थी तो ये डेकोरेशन हमने पोस्टपोन करके आज कर दिया है। तो चलो मैं आपको बाहर से सारा डेकोरेशन दिखाती हूँ। सो गाइज, आप देख सकते हो कितना अच्छे से डेकोरेट किया गया है। पढ़ लेती हूँ।
मैं इस व्लॉग का क्रेडिट मेरी मम्मी और आंटी को देना चाहती हूँ, क्योंकि इन्हीं की वजह से मेरा इतना अच्छा व्लॉग बन पाया है और महालक्ष्मी जी का इतने अच्छी तरीके से आगमन हो पाया है। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। सो गाइस, ये था मेरा महालक्ष्मी गौरी जी का स्पेशल व्लॉग। जो भी गाइस, ये व्लॉग बनाने में मुझे तो बहुत मजा आया। आई होप आपको भी ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को कमेंट करना, लाइक करना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके बाद में बेल आइकन को भी दबा देना।